इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल का मतलब होगा आवश्यक यानी कि ज़रूरी। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम, नेसेसरी, रिक्विसाइट, इनिड एंड विटल। इसका अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स देखते हैं, सुपरफ्लूस, नीडलेस, यूजलेस, एक्सेसिव। इन सब कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, नीडलेस है, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का क्या होगा, आशीर्वाद। इसके सिनोनिम्स देखते हैं प्रेस, कंसेक्रेशन, गुड विशेस। जब आपको कोई ब्लेस करे, गुड विशेस दे, आशीर्वाद दे। ठीक है, अब इसका एंटोनियम्स देख लेते हैं, एविल थॉट्स यानी कि बुरे विचार हों किसी के, कर्स, बैड विशेस दे हमें कोई, ये इसके अपोजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेनरस। जेनरस का क्या होगा, उदार। इसके सिनोनिम्स देखते हैं लिबरल, बाउंटीफुल, मैग्नानिमस। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। इसके एंटोनियम्स देखते हैं मीन, स्टिंगी, पार्सिमोनियस। अब नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेंट। डेलीगेंट का क्या होगा, मेहनती। इसका सिनोनिम्स होगा अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग। जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, ये इसका सिनोनिम्स हो गया यानी सेम वर्ड्स। अब इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं यानी इसका अपोजिट, स्लेक, स्लोथफुल, इंडोलेंट, लेजी। यानी कोई इंसान बेकार बैठा हो, लेजी हो, मेहनती ना हो। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूमी, GLOOMY। ग्लूमी का क्या होगा, निराशाजनक। इसके सिनोनिम्स डार्क, डस्की, डिम, शेडोई। अब इसके एंटोनिम्स क्या होगा, ब्राइट, जॉली, ब्लीथी, मैरी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अबेंडन। अबेंडन का क्या होगा, छोड़ देना, यानी जो चीज़ हमने बिल्कुल छोड़ दी हो, त्याग दी हो। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सरेंडर, गिव अप करना, यानी क्विट, डिसकंटिन्यू। इसका एंटोनियम्स यानी अपोजिट देख लेते हैं, परस्यू, कैरी ऑन, रिमेन, कंटिन्यू। यानी जो चीज़ हमने कंटिन्यू रखी हो, छोड़ा ना हो, इसका अपोजिट हो गया अबेंडन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का क्या होगा, अबाउंड का मतलब है भरपूर, यानी जो चीज़ हमारे पास भरपूर मात्रा में पाई जाती हो। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्वाम, टीम, प्लेंटीफुल। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं वांट, स्केयर, लैक, यानी जिस चीज़ की हमारे पास कमी हो, लैक हो, जो चीज़ हम चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है तुलना, यानी जब किसी चीज़ से तुलना करते हैं। इसका सिनोनिम्स इलस्ट्रेशन, सिमिलिट्यूड एंड सिमिली। इसके एंटोनिम्स क्या होगा, डिफरेंस, कंट्रास्ट, कंट्रारिटी। इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं डिकेड। डिकेड मतलब सड़ा हुआ, जो चीज़ सड़ गई हो। इसके सिनोनिम्स क्या होगा, रोटेन, फेडेड एंड करप्ट। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं फ्रेश, हेल्दी एंड अनइम्पायर्ड। जो चीज़ फ्रेश हो, हमारे लिए हेल्दी हो, ठीक है, सड़ी हुई ना हो। नेक्स्ट देखते हैं एबनॉर्मल, यानी असामान्य, जो चीज़ नॉर्मल ना हो। इसके सिनोनिम्स देखते हैं इरेगुलर, अननेचुरल, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, इसेंट्रिक। इसके सिनोनिम्स हो गया। अब एंटोनियम्स देखते हैं रेगुलर, नॉर्मल, नेचुरल, ऑर्डिनरी, यूजुअल, यानी जो चीज़ नॉर्मल हो, नेचुरल हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिक्वेंस यानी परिणाम। जब हमारा कोई रिजल्ट आ रहा हो, परिणाम हो, इसके सिनोनिम्स होगा, जो भी जैसे कि हमने बताया रिजल्ट, इशू, आउटकम्स, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा, रीजन, सोर्स, कॉज, ऑरिजन, ये सब इसके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।